शत्रुघ्न हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम के सबसे छोटे भाई थे। शत्रुघ्न भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र के अवतार थे। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों भगवान विष्णु ही थे। ये बात वाल्मीकि रामायण द्वारा प्रमाणित भी है। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्प 15 में विस्तार पूर्वक से कहा गया है। भावार्थ, इस श्लोक में देवता कह रहे हैं कि प्रभु विष्णु आप अपना चार रूप धारण करके राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार लीजिए। अर्थात देवता ये प्रार्थना कर रहे हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का रूप धारण कर प्रभु विष्णु जी रावण के अत्याचार से मुक्त कीजिए। और भगवान विष्णु आगे स्वयं भी कह देते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्प 15 का 31 श्लोक, जिसमें भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वयं कहा। भावार्थ, इसके बाद कमलनयन श्री हरि ने अपने को चार रूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। इस श्लोक से ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं को चारों रूप में प्रकट करूंगा कहकर सिद्ध कर देते हैं कि विष्णु ही लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम बने हैं। शत्रुघ्न का जन्म अयोध्या के पुण्य राजा दशरथ और उनकी दूसरी पत्नी काशी की राजकुमारी रानी सुमित्रा के घर हुआ था। शत्रुघ्न राजा दशरथ के चौथे पुत्र थे। ये और लक्ष्मण जुड़वे भाई थे। जब श्री राम को निर्वासित किया गया तो शत्रुघ्न ने कैकेयी के पुराने नौकर मंथरा, जो श्री राम के खिलाफ रानी के मन को जहर देने के लिए जिम्मेदार थी, को पीट दिया। लेकिन वो भरत द्वारा रोके गए और उन्होंने कहा, एक महिला को मारना पाप है और अगर वो ऐसा काम करते हैं तो प्रभु राम उन दोनों के साथ नाराज हो जाएंगे। जब रघुनाथ 14 वर्ष तक वनवास पे थे, तब शत्रुघ्न ने भरत जी का अयोध्या में पूरा साथ दिया, क्योंकि भरत जी भी श्री राम जी की चरण पादुका को सिंहासन पे रख के दूर नंदीग्राम कुटिया में वनवास के रूप में जीवन यापन करने लगे थे। वो शत्रुघ्न ही थे जिन्होंने अयोध्या में रहते हुए राज्य के कार्य को सुचारू रूप से चलने में सहायता की, एक निडर सिपाही के तरह राज्य की रक्षा की और अपनी सभी माताओं को अन्य तीन भाइयों के ना होने की कमी नहीं महसूस होने दी। शत्रुघ्न का शौर्य भी अनुपम था। सीता वनवास के बाद एक दिन ऋषियों ने भगवान श्री राम की सभा में उपस्थित होकर लवानासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और उसका वध करके उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शत्रुघ्न ने भगवान श्री राम की आज्ञा से वहां जाकर प्रबल पराक्रमी लवानासुर का वध किया और मधुपुरी बसाकर वहां बहुत दिनों तक शासन किया। भगवान श्री राम के परमधाम पधारने के समय मथुरा में अपने पुत्रों का राज्याभिषेक करके शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचे। श्री राम के पास आकर और उनके चरणों में प्रणाम करके इन्होंने विनती भाव से कहा, भगवान मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आपके साथ चलने का निश्चय करके ही यहाँ आया हूँ। आप अब मुझे कोई दूसरी आज्ञा ना देकर अपने साथ चलने की अनुमति प्रदान करें। भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न की प्रार्थना स्वीकार की और वे श्री रामचंद्र के साथ ही वैकुंठ पधारे।